ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलेंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं, उसको हम कैसे देखेंगे, उसको आप लोग देखिए। मैं समझता हूँ कि जो आपने शिक्षक अभ्यर्थियों का मामला लाया, संपूर्ण आज तक देखा था कभी विज्ञापन इससे पहले भी देखे होंगे, आज भी देखे हैं, विज्ञापन में पूर्णतः बिहारवासियों को 10 लाख लोगों को नौकरी देने का जो सवाल है, हमारी सरकार महागठबंधन की सरकार, नीतीश बाबू जो बिहार विकास के शिल्पकार हैं उनके नेतृत्व में चलने वाली सरकार, युवाओं और बेरोजगारों के लिए हर समय चिंतित तेजस्वी जी के नेतृत्व में चलने वाली सरकार की ये प्रथम संकल्पना है कि हम 10 लाख लोगों को कैसे नौकरी दें। उसका एक कदम शिक्षा विभाग बड़े विज्ञापन को ला करके पूरा करने वाला है। मेरा ये कहना है कि भाई शिक्षक बेहतर हो, शिक्षक बहाल कर रहे हैं, सिपाही जी तो नहीं बहाल कर रहे हैं कि डंडा चलेंगे। तो शिक्षक को अगर गुणवत्तापूर्ण नहीं ढूंढा जाएगा तो गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की कल्पना कैसे कर सकते हैं। बिहार को अपने विरासत को प्राप्त करना है, ज्ञान की भूमि रही है, तो यहाँ से ज्ञान अगर पलायन कर जाता हो तो ये चिंताजनक बात है। इसलिए सरकार की नीति इस मामले में सारे, और आप तो अभ्यर्थी की बात कर रहे हैं, आवाम से बात करो, आपका भी आप भी मैक लेके घूम रहे हैं, आपको पता होगा कि शिक्षा नीति के बारे में समाज क्या करता है। अभ्यर्थी के बारे में नहीं कर सकता हूँ, अभ्यर्थी क्या कहेंगे, और वो भी 90% अभ्यर्थी इसके पक्ष में हैं, आपको भी पता होगा लोग पढ़ाई में लग गए हैं। अब जो जो ऐसे वैसे करके कुछ कुछ इधर उधर किए होंगे तो उनको चिंता है कि हम पास ना कर पाएंगे, तो भाई ठीक है।